तीन एम्प लगे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर दो एम्प ये पीछे हैं और एक एम्प आगे। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे बूफर देखने के लिए मिल जाएगा। पैसे वगैरह जो हैं, जो चार्जेस हैं, वो सब जेन्युइन लगे। हाँ, सब बढ़िया, एकदम रेट सारा कुछ बढ़िया है। तार वगैरह के सारे स्पीकर वगैरह वो मिल जाएंगे, नाकामिची वगैरह सब मिल जाएगा अपने पास। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी एम्बिएंट लाइट, और एम्बिएंट लाइट भी काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर सीट कवर देखोगे तो सीट कवर भी काफ़ी ऑटो फॉर्म वाले बढ़िया सीट कवर लगे हुए हैं, जिसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर कुशनिंग काफ़ी बढ़िया रहती है और सॉफ्ट रहते हैं। साइड मिरर जेन्युइन साइड मिरर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जो ऑटोमेटिक वाले होते हैं। दिस सकलन खान एंड टुडे वॉचिंग माई चैनल मोटो बीस्ट। एंड गाइस, आज लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं आज बहुत ही तगड़ा मॉडिफिकेशन, जिसमें म्यूजिक सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। और आपने देख ही लिया होगा टाइटल और थंबनेल के अंदर कि कितने का काम हुआ है और कैसा काम हुआ है। बाकी मैं आपको इन डिटेल पूरा दिखाने वाला हूँ अंदर से। इसके अंदर करीब करीब 8 स्पीकर लगे हैं, जिसके अंदर ट्विटर्स भी लगे हैं अलग अलग, और 3 एम्प लगे हैं जिसके अंदर, और बूफर भी लगा है। तो ये सारी चीज़ें लगी हैं, और ये सारी मॉडिफिकेशन होने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो सारा आउटपुट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक एक करके सारी चीज़ें दिखाएंगे। फिलहाल बाहर की मॉडिफिकेशन दिखा देता हूँ। गाड़ी के अंदर और भी बाकी मॉडिफिकेशन हुई है, म्यूज़िक सिस्टम नहीं हुआ है खाली। आगे ये RS ग्रिल वगैरह लगी है, और आप पूरी देख सकते हैं इसकी जो अंदर ये हेडलाइट में यहाँ पर इन्होंने LED लगाई है। अलग से लगती है, आप लगवाना चाहो किसी भी गाड़ी में आप लगवा सकते हो। ये अंदर से एक LED टाइप की लगती है, जो आपकी लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देती है। भाई नीचे लाइट वगैरह लगवाई है और बीडिंग वगैरह लगवाई है सारी, ये जितनी भी साइड में बीडिंग्स वगैरह लगती हैं। यहाँ पर आप साइड मिरर देखोगे तो साइड मिरर में ये छोटी एक्सेसरीज आती हैं, ये सारी चीज़ें लगवा सकते हो आप। और काम तो काफ़ी सारा हुआ है इसके अंदर। अलॉय व्हील्स वगैरह भाई ने चेंज करवाए हैं। और पीछे आप अगर आओगे तो आपको यहाँ पे गार्ड मिल जाएगा, जो कि क्या नाम है आपकी, जो दिल्ली में अगर आप चलते हो तो आपको पता ही होगा पीछे से काफ़ी सारे लोग मार देते हैं आकर के, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है ये चीज़। और शौकिया तौर पर ये गाड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करी है भाई ने। और अंदर अगर हम आ जाएँ गाड़ी के, तो अंदर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी एम्बिएंट लाइट, और एम्बिएंट लाइट भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके अंदर यहाँ पर आपको ये भाई ने जैसा सीट कवर तैयार करा है, सेम उसी तरह यहाँ पर एक और कपड़ा यूज़ करके यहाँ पर इसको पूरा ये चीज़ इसको पूरा मॉडिफिकेशन करिए। और यहाँ पर आप ये किसी भी गाड़ी में अगर आप लेते हो तो आप लगवा सकते हो सीट कवर के साथ मैचिंग में। और उसी हिसाब से यहाँ पर आपको स्टीयरिंग को भी रैप कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे ये मून रैप हो रखा है पूरा, ठीक है ना, जिसके अंदर ये ब्लैक रहता है आधा और आधा जो सीट कवर में मैचिंग कलर होता है। इसके बाद नीचे यहाँ पे सीट कवर देखोगे तो सीट कवर भी काफ़ी ये ऑटो फॉर्म वाले बढ़िया सीट कवर लगे हुए हैं, जिसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर कुशनिंग काफ़ी बढ़िया रहती है और सॉफ्ट रहते हैं अगर आप इसे टच करके देखोगे आओगे यहाँ पर तो। और इसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड तो लगा ही है काफ़ी प्यारा। एंड्रॉयड के साथ साथ इसमें जो स्पीकर का जो सिस्टम है, जो आउटपुट है, वो सबसे मेन चीज़ है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हैंडल्स वगैरह भी आप देख सकते हो, इसके ऊपर भी रैप हो रखा है पूरा। और यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने भाई ने डैश कैम वगैरह भी लगा रखा है। डैश कैम देखोगे तो डैश कैम आगे और पीछे लगा हुआ है। इससे काफ़ी ज़्यादा यार ज़रूरी चीज़ है आज के टाइम पे। बाहर देशों में तो ये कंपलसरी होती है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अब लगवाने लग गए हैं, क्योंकि कभी भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी गलती नहीं थी या थी। सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहती हैं, सबसे मेन चीज़ वो है ना। इसके बाद अंदर का जो पूरा सिस्टम है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रखे हुए हैं एम्प जो लगे हैं इसके अंदर, 3 एम्प लगे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर 2 एम्प ये पीछे हैं और एक एम्प आगे जो कंडक्टर साइड में सीट होती है उसके नीचे है। तो ये 3 एम्प लगे हैं। 3 एम्प लगे हैं तो आप सोचो कितना लोड दिया गया है इसके ऊपर। अगर हम पीछे डिग्गी में जाएं तो डिग्गी मैं खोल देता हूं और आप यहां पर देखोगे 4 ओल हैं, और जिसको यहां पर जो पार्शल ट्रे होती है उसके अंदर ये पूरा फिट कर दिया है। 4 ओल यहाँ लगे हुए हैं और 2 जो हैं दरवाज़ों में लगे हैं, और क्या नाम है 2 आगे कंपोनेंट लगे हैं। इसके साथ साथ ट्विटर वगैरह लगे हैं 4। और यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे बूफर देखने के लिए मिल जाएगा, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी बड़ा बूफर लगाया है इन्होंने। और क्या नाम है इसकी जो क्वालिटी है, जो इसका आउटपुट है, वो अब आपको सुनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या आउटपुट होता है इसका। तो भाई अभी हम आगे गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर जो सारा जो सिस्टम है, जो सारा बेस है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर एक पूरा कंट्रोलर दे रखा है, जिससे आपका जो बेस है वो पूरा कंट्रोल होगा, है ना। और बेस कंट्रोल आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको कम रखना है या ज़्यादा रखना है, मैक्स रखना है या कम रखना है, मिनिमम रखना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी भाई ने यहाँ पर फुल गियर को यहाँ पे हुडी पहना रखी है, ठंड आ रखी है, तो ये भी आप देख सकते हो। पूरी मतलब शौकिया तौर पर बढ़िया तरीके से तैयार करिए। अब मैं जो इसका आउटपुट है वो सुना देता हूँ, है ना, और प्ले कर देता हूँ, जो कि अपना एनसीएस का सॉन्ग है। तो अभी आने वाला है बेस, खतरनाक है भाई। तो भाई ये चीज़ है, और ये होती है शौक़ के साथ। अगर शौक़ है आपको तो ऐसा ऐसा काम भी यहाँ पर होता है कार मॉडिफिकेशन पे, और मज़ा आ जाएगा आपको अगर आप यहाँ पर आकर के काम करवाते हो। सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें, आपका कितने पे कितना लोड जाना है, सारी चीज़ें की समझें इन्हें, और बढ़िया तरीके से ये तैयार करते हैं गाड़ी को। अब ये जो गाड़ी है वो जिनकी है और जो गाड़ी लेकर के आए हैं उन्होंने, जिसने काम करवाया है इसका सारा, वो हम आपको उनसे मिलवा देते हैं और क्यों करवाया ये भी पूछते हैं। तो भाई गाड़ी जिनकी थी, भाई हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। और भाई सबसे पहले तो पूछूँगा, इतना बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम क्यों लगवाया, मतलब क्या वजह थी कि इतना सारा लगवाने की? भाई शौक है, तो शौक है अपना, शौक की वजह से लगवाया है। और जो सारा काम करवाया, जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से सारा काम हुआ, उसे अब हुआ उस हिसाब से सारा काम। मतलब साउंड पहले इतनी बढ़िया नहीं थी। अच्छा। अब यहाँ है इन भैया के दौरे, हाँ। ये XYZ कार मॉडिफिकेशन, ठीक है, पहाड़गंज में है जो जी। बहुत बढ़िया काम करा है इन्होंने, यहाँ बहुत बढ़िया काम करा है और काम एक नंबर करके दिया है, और जो आउटपुट है वो भी एक नंबर है। और पैसे वगैरह जो हैं, जो चार्जेस हैं, वो सब जेन्युइन लगे, हाँ सब बढ़िया, एकदम रेट सारा कुछ बढ़िया है। तो काम तो एक नंबर हो गया, बढ़िया गाड़ी, मतलब ऐसी लग रही है ना कि मतलब दिखाने लायक है। अगर दरवाजे खोल के भी कहीं बजा देंगे तो मतलब जैसी साउंड हमें चाहिए थी वह अब हुई। पहले मतलब ये चीज़ नहीं हो पाई थी, अभी आपने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगवाई है ना। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच यार। अभी चलते हैं शॉप के अंदर, और वो सारा सामान जो है वो दिखाएंगे आपको जो शॉप के अंदर होगा। बाकी भाई से भी मिलवा देते हैं। अपना नाम बता दो भाई। हर्ष तोमर। हर्ष तोमर नाम है भाई। और आपको भी सही लगा काम सारा? बहुत बढ़िया, बढ़िया लगा काम। तो बिल्कुल भाई, अंदर चलते हैं शॉप के अंदर और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। XYZ कार मॉडिफिकेशन जो कि होने वाले है झंडे वाला में, और काफ़ी बढ़िया कार मॉडिफाई यहाँ पर करते हैं भैया, और काफ़ी सारा काम यहाँ पर होता है कार मॉडिफिकेशन का। और यहाँ का जो एड्रेस और नंबर है मैं प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और भैया हमारे साथ यहाँ पे हैं फराज़ भाई। कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया हो। और भाई ये बताओ कि क्या क्या काम करते हो, किस किस गाड़ी में ज़्यादा काम करते हो आप, ज़्यादा मॉडिफिकेशन करते हो किस गाड़ी की, और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है आपके पास? भैया हमें फ्रॉन्क्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं, फ्रॉन्क्स हमारे पास ज़्यादा लगती है, ठीक है। फ्रॉन्क्स का सारा सामान हमारे पास अवेलेबल है, ऑलरेडी रहता है हमेशा। अच्छा, हाँ जी। तो फ्रॉन्क्स वगैरह की गाड़ी का ज़्यादा सामान रहता है। बाकी बलेनो की भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आज, जिसके अंदर पूरा म्यूज़िक सिस्टम लगाया इन्होंने, बहुत ही खतरनाक काम किया उसके अंदर, है ना, और फुल सिस्टम है। इसके बाद अंदर चलते हैं, अभी आपको अंदर का दिखाते हैं सारा कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे भैया के पास, और क्या क्या कंपनीज़ में काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। तो अभी आ गए भाई शॉप के अंदर, और आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे स्पीकर वगैरह है, वैरायटी सारी है यहाँ पे, है ना, सारी वैरायटी मिलेगी आपको। ये जेबीएल, सोनी, पायनियर, ठीक है, ये अवतार वगैरह के सारे स्पीकर वगैरह वो मिल जाएंगे, नाकामिची वगैरह सब मिल जाएगा अपने पास। बिल्कुल, स्पीकर वगैरह, एंड्रॉयड वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। इसके बाद यहाँ पर सारे अंदर जो जेन्युइन पार्ट्स वगैरह हैं वो सब रखे हुए हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर भाई फ्रॉन्क्स का सारा सामान होता है, सारा सामान है, ठीक है, फ्रॉन्क्स का ही लगा पड़ा है इधर, ठीक है जी, फ्रॉन्क्स का सारा। और ये कौन सी गाड़ी का भाई? ये अलॉय व्हील्स रखा है, टॉप मॉडल में जो आता है, फ्रॉन्क्स का टॉप मॉडल का अलॉय व्हील है, जेन्युइन होगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा। अच्छा जी। इसके बाद यहाँ पे स्टीयरिंग वगैरह रखा हुआ है जो कि जेन्युइन है, मारुति सुजुकी, बिल्कुल। इसके अंदर जो बारकोड वगैरह है, QR कोड वगैरह सब मिलेगा ना, सब मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या रखा है? ये साइड मिरर जेन्युइन साइड मिरर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जो ऑटोमेटिक वाले होते हैं, यस ऑटोमेटिक वाले जो आते हैं वो आपको यहाँ पे ये मिल जाने वाले हैं। तो ये सारे पार्ट्स रखे हुए हैं आपके, ये छोटे मोटे पियानो ब्रेक जिसको करवाना होता है, हाँ वो इसमें आया था, बिल्कुल। ये डोर में टिप वाली नहीं है, पियानो ब्रेक में है, जो कंपनी से ओरिजिनल आती है, ये देखिए, थोड़ा फोकस करिए। अच्छा जी, ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका जो भी ये नंबर वगैरह है, क्या नाम, पार्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी मतलब जेन्युइन की पूरी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेन्युइन को पूरा आप लोग श्योर करके दोगे कि हाँ भाई जेन्युइन सारा, 100% श्योर करके देंगे, बिल्कुल। तो ये सारे अपने छोटे सारे पार्ट्स वगैरह हैं ये सारे स्टेयरिंग रखे हुए हैं, सब गाड़ियों के स्टेयरिंग मिल जाएंगे। बाकी हमारे पास सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। सारे बटन वगैरह जो है, सारे बटन स्टेयरिंग में बटन जो भाई लगवाना चाहें वो भी लगवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ज्यादातर काम करते हैं भाई फ्रॉन्स में। बाकी और कोई भी गाड़ी अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं यहाँ पे, नेक्सॉन, स्कॉर्पियो, कोई सी भी। ठीक है जी, सारी गाड़ियों का काम यहाँ पर हो जाएगा आपका। यहाँ का एड्रेस और नंबर जो है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा होगा लगातार। आपको अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, आप कॉल करो, व्हाट्सअप करो, यहाँ पर आप पता कर सकते हो जो भी रेट वगैरह है, किसी भी चीज़ का आपको रेट वगैरह, पूरी गाड़ी के आपको लेना है पूरा क्या नाम बिल, कि क्या क्या काम कितने कितने में होगा, वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी भाई, सब मिल जाएंगी व्हाट्सएप। बिल्कुल, तो कुछ भी करना हो आपको, कोई भी क्वेरी है कॉल करो आप या फिर व्हाट्सअप करो। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग क्वेरी वगैरह तो ले ही सकते हो। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है, तो उसके लिए आप हो यहाँ पे भैया? बिल्कुल है, और गाड़ी के काम कराने के बाद हम उसके नेक्स्ट डे 2 से 3 दिन तक हम फ़ोन करते हैं कस्टमर को। ठीक है, गाड़ी में काम सही, गाड़ी में जो काम हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद भी हम बैठे हुए। बिल्कुल, और कोई भी दिक्कत आती है तो हम बैठे हुए हम उसको सही करके देंगे। बिल्कुल, अगर मतलब कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है तो उसके लिए यहाँ पर खड़े हैं भाई। आप लोग कभी भी आइए, आप लोग कॉल करिए कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको भूल गए, है ना। गाड़ी का कोई भी काम होगा आपको उसके लिए भी, उसके बाद भी आपको हेल्प पूरी मिलने वाली है यहाँ से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलेंगे फ्रॉन्स के साथ, है ना भाई। बिल्कुल भाई।